नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओडिशा फेमस एंड ट्रेडिशनल पिठा पोड़ो पिठा। रज संक्रांति में कई प्रकार के पोड़ो पिठा बनाए जाते हैं और ये ट्रेडिशनली मिट्टी के चूल्हा में बनाया जाता है। आज हम बनाएंगे चावल पोड़ो पिठा, तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म करके उसमें हमने 2 चम्मच देसी घी ले लिया है। अब उसमें थोड़े से काजू हम फ्राई कर लेंगे और उसको निकाल लेंगे। इसी कप से मेजर करके हमने 1 कप चावल का आटा लिया है, इसलिए इसका डबल यानी 2 कप पानी हम मेजर करके ले लेंगे। अब उसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। उसी कप के मेजर से हमने 1 कप से थोड़ा सा कम गुड़ लिया है। ये पीठा थोड़ा मीठा बनता है। अब इसमें हम 2 तेज पत्ता, 1 कटोरी छोटे टुकड़ों में कटा हुआ नारियल, कद्दूकस किया हुआ नारियल, 1 कटोरी छेना, कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे। फिर हम उसमें 10 से 12 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 दालचीनी और 2 इलायची को क्रश करके इसमें डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे और सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको ढककर इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। जब तक पानी में उबाल आता है तब तक हमने कुछ केले के पत्तों को धो के साफ कर लिया था। अब पत्तों को इस तरह से हम फ्लेम के ऊपर दिखाएंगे। ये देखिए, इस तरह से करने से हमारा केले का पत्ता और फटेगा नहीं। इधर पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसमें जो तेज पत्ता हमने डाला था उसको निकाल देंगे। अब हम 2 चम्मच चावल के आटे को 4 चम्मच पानी में अच्छे से घोल के रखा था इसको डाल देंगे। ऐसा करने से जब हम सूखा वाला चावल डालेंगे तब उसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। अब इसको हम 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद अब इसमें हम चावल का आटा धीरे धीरे करके डालेंगे और इसको मिलाते जाएंगे। धीरे धीरे करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे। पाँच से 7 मिनट तक हम इस तरह से मीडियम फ्लेम में चावल को अच्छे से पकाएंगे, नहीं तो फिर जब पिट्ठा बनेगा वो कच्चा रह जाएगा। अब इसमें थोड़े से किशमिश डाल देंगे, फ्राई किया हुआ काजू डाल देंगे, 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब फिर से इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। चावल हमारा कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पिठा बनाने के लिए हमको थोड़ा मोटा कढ़ाई चाहिए होगा। अब उसमें हम 2 चम्मच पानी दे देंगे। अब केले के पत्ते को कढ़ाई में इस तरह से हम सेट कर देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे और चारों तरफ से इसको हम ग्रीस कर लेंगे। अब चावल का बैटर को हम कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी हाथ होकर हम इसको स्मूथ बना लेंगे। अब ऊपर से थोड़े से काजू और नारियल से इसको सजा देंगे। अब इसके ऊपर 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब चारों तरफ से पत्तों को हम इस तरह से बंद कर देंगे। इसके ऊपर और 1 छोटा सा पत्ता रख लेंगे। अब अच्छे से सेट होने वाला 1 लेयर लगा देंगे। अब हम गैस ऑन कर लेंगे।
पिठा को पहले 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम में, उसके बाद 30 से 35 मिनट एकदम लो फ्लेम में पकाना है। 35 मिनट्स के बाद हमने पिठा को पलट दिया था। अब इसको हम फिर से ढककर आधा घंटा के लिए पूरा स्लो फ्लेम में इसको पकाएंगे। आधा घंटा के बाद हमने गैस ऑफ कर दिया था और पिठा को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। अब सारे पत्ते को हम निकाल देंगे। ये देखिए, लग रहा है ना मिट्टी के चूल्हे में बनने जैसा। ये पिठा केक के तरह सॉफ्ट नहीं बनता है, ये थोड़ा सख्त ही बनता है। तो चलिए इसको मैं काट के दिखा रही हूँ आपको। इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।